मैं हूं फहीम खान और नेशन सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, या फिर टैक्स के हवाले से कोई न्यूज़ आए जिसमें बैंक में जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो, उस हवाले से टैक्स के रिलेटेड कोई न्यूज आए तो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले। जैसे आजकल नन फायर पे कहानी चल रही है कि मोबाइल सिमें बंद हो जाएंगे, मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, और जना बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बहरहाल वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। आज की हमारी वीडियो जो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, और ये प्राइवेट बैंक जो है जनाब पाकिस्तान का मशहूर तरीन बैंक, पाकिस्तान का कामयाब तरीन बैंक UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अच्छा, ये UBL की वीडियो बनाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं आपको, वो कि UBL का जब भी नाम आता था, जब हम आज से 10 15 20 साल पहले, 25 साल पहले छोटे हुआ करते थे, तो जनाब जब भी UBL बैंक का नाम आता था, हम बोलते थे UBL के पता है मायने क्या है, तो सामने वाला हमें जवाब देता था यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। हम कहते थे नहीं, UBL का मतलब है उसामा बिन लादिन। बहरहाल आज इस UBL की वीडियो बनाते हैं, वो वाकई याद है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब UBL ने जो है वो प्रॉफिट का अनाउंस कर दिया है जनवरी 2024 के। मतलब ये UBL ये करता है कि हर महीने अपने प्रॉफिट रेट में चेंजेस करता है। अभी जो इन्होंने सर्कुलर इशू किया, मैं आप लोगों को सर्कुलर भी दिखा दूं, जो इनका प्रॉफिट रेट का सर्कुलर आया, उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि जो प्रॉफिट रेट है वो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक जो है वो वैलिड है। मतलब कि एक महीने का ये है, इस दौरान जो भी इन्होंने जो भी टर्म डिपॉजिट वगैरह बुक करवा लिया वो ये रेट अप्लाई हो जाएगा। फैब से इनका जो रेट है वो रिवाइज होगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी हो रह सकता है। बहरहाल अभी जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनवरी 2024 का प्रॉफिट रेट है। चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ, और आज की जो हमारी वीडियो है वो है UBL महाना आमदनी आमदनी सेविंग अकाउंट। प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर के हवाले से। मतलब ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत एडवांटेज इस अकाउंट में, प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। तो हमारे जो चैनल है, चैनल का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब भी कोई भी बैंक, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो, अपने प्रॉफिट रेट के हवाले से कोई सर्कुलर इशू करता है या प्रॉफिट रेट अपडेट करता है, तो हम वीडियो के थ्रू अपने सब्सक्राइबर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये बैंक ने ये कर दिया है, ठीक है। भले से प्रॉफिट रेट कम हो, ज़्यादा हो, सेम रहे, लेकिन हम वीडियो बनाकर उनको अपडेट ज़रूर करते हैं ताकि वो अप टू डेट रहें, ठीक है। अभी भी ये सिचुएशन है कि UBL ने जो है वो जनवरी 2024 में अपने प्रॉफिट रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो UBL के हवाले से हमारी वीडियोज है, UBL की पहली वीडियो है हमारी ये, और ये जो अकाउंट है UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, ये UBL के पहली वीडियो बनाने का मकसद इस अकाउंट का ये है कि क्योंकि UBL की कामयाब तरीन जितने भी अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, TDR भी ये भी, लेकिन ये UBL का महाना आमदनी सेविंग अकाउंट जो है वो UBL के कामयाब तरीन अकाउंट्स हैं। बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये अकाउंट खुल रहा होता है। तो UBL की जनवरी 2024 की हमारी पहली वीडियो है, लेकिन पहली वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो इनकी जो अकाउंट है बहुत ही शानदार है। चलते हैं, बात इधर उधर निकल जाएगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, चलते हैं वीडियो की तरफ। UBL महाना आमदन सेविंग अकाउंट इसका नाम है, इज़ अ यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट, जो मैं आपसे कह रहा था यूनिक है, मैंने यूनिक क्या, बहुत ही खास, ठीक है। ऑफरिंग कंपेटेटिव हाई यील्ड टायर बेस्ड सेविंग रेट्स, ठीक है। आपको टायर बेस्ड सेविंग रेट मिलता है, लेकिन इससे टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि अभी जो करंटली चल रहा है वो टायर बेसिस नहीं है, ठीक है। मतलब टायर बेस से क्या मुराद होता है कि आप 1 लाख, 1 रुपये से 1 लाख तक रखेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख से 2 लाख रखें तो ये प्रॉफिट लगेगा, 2 से 5 रखेंगे तो अभी सिचुएशन ये है कि 1 रुपये रखेंगे, 1 करोड़ रखें, प्रॉफिट रेट सेम है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइमरी टारगेटिंग रेट कॉन्शियस कस्टमर हु आर आल्सो लुकिंग फॉर ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो लोग ट्रांजेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अकाउंट है और प्रॉफिट रेट भी बहुत शानदार है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें है जनाब UBL महाना सेविंग कैन बी ओपन बाई फॉलोइंग, क्या है, इंडिविजुअल, सिंगल्स एंड ज्वाइंट अकाउंट। मतलब मैं खुलवा सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी वालदा के साथ या वालिद के साथ ज्वाइंट भी खुलवा सकता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है,
पार्टनरशिप में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, यूबीएल महानाम सेविंग अकाउंट, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी पब्लिक प्राइवेट सोसाइटी क्लब एसोसिएशन ट्रस्ट वाले भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, सोल प्रोपराइटरशिप वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सैलरीड रिटायर्ड इंडिविजुअल, पेंशनर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, हाउस वाइज, फॉरन उसके दिए फॉरन मिशन डिप्लोमेट्स एंड एसोसिएशन क्लब ट्रस्ट ETC, ये सारे लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये देखिए इस अकाउंट की खासियत देखिए, अब मतलब कुछ बचा ही नहीं, हर टाइप्स के अकाउंट जो है वो आप जो है UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में खुलवा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो हमारी वीडियो वो सिंगल के सिंगल ये ज्वाइंटली के हवाले से, मतलब जो एक आम आदमी जैसे मैं हूँ या आप हूँ, उस हवाले से वीडियो है कि वो लोग ये अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, ठीक है। जरा आप आगे चलते हैं। अच्छा, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन टू ओपन दिस अकाउंट, ठीक है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन द अकाउंट, देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। इस अकाउंट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, मतलब 1 रुपये भी रखवा सकते हैं और 100 करोड़ भी रखवा सकते हैं, ठीक है। बहर आगे चलते हैं। अच्छा, की फीचर्स की बात कर ले जनाब। फॉलोइंग आर द की रिपोर्ट, टायर बेस अकाउंट, ठीक है। हाई रेट रिटर्न, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात कर ली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म। वो क्या है जनाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एंड प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिट टू द अकाउंट एवरी मंथ। आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस होगा उस पर कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको मिल जाएगा। हर महीने से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये महीना कंप्लीट होगा, जैसे हम आज है जनवरी 2024 में, जैसे ही जनवरी 31 जनवरी के बाद, जैसे ही फेब 12 बजे के बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही फर्स्ट फेब को आप हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में पैसे प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट UBL ब्रांच, ठीक है। और फीस आर रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, और कुछ मुझे इसमें दिख जाए तो मैं आप लोगों को बता। अच्छा, उसके बाद ज़कात की बात करें, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे वो ज़कात एप्लीकेबल होता है, ज़कात होता है। तो आप चाहते हैं ज़कात से बचने के लिए, तो जनाब CZ50 का फॉर्म होता है, ज़कात जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो आपके अकाउंट पे जो है वो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स का बड़ा सिलसिला चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि ये है भी नॉन फाइलर के लिए और हमारे मेजोरिटी जो है वो नॉन फाइलर। जरा तो नॉन फाइलर की कंडीशन ये है कि अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है और कैश पैसे निकलवाता है, कैश की कंडीशन है, कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर टैक्स लग जाता है विथहोल्डिंग टैक्स। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स के अमाउंट के 1,00,600 रुपये, मतलब 0.6%, 10 लाख होगा तो 6,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका ये है कि आप पर डे 50,000 से कब की ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट बैंक का चेक इससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स आपको चार्ज नहीं होगा, ठीक है। या सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये अपने आपको नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करवा लें। जनाब प्रॉफिट रेट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट रेट जनाब UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका प्रॉफिट रेट है जनाब 20.50% के हिसाब से मिलेगा। एक दो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, उन्होंने ये UBL के हवाले से अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जनाब सबसे आसान तो ये है कि आप ऑनलाइन बैठ के ट्राई करें डिजिटल अकाउंट। ऑनलाइन डिजिटल, आजकल ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुल रहा है, सिंपली अपने ओरिजिनल शनाख्ती के आगे पीछे की तस्वीर खींचे और सैलरी स्लिप की तस्वीर खींचे और उनकी वेबसाइट पे जाओ, जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं आप घर बैठे ही अकाउंट खुलवा लें। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका हर बंदा नहीं कर सकता। तो जनाब इसके लिए सबसे आसान है कि आप किसी भी UBL के ब्रांच का विजिट करें। UBL की बहुत ब्रांचेज है, हर गली मोहल्ले में आपको उसकी ब्रांचेज मिल जाएगी, UBL की ब्रांच है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है अपने, अगर आप सिंगल या जॉइंटली अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जनाब सिंपली अपना CNIC की कॉपी रख लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड रख लें, ये दो चीज़ चाहिए होंगी आपको, और एक अदद इनकम प्रूफ चाहिए होगा। इनकम प्रूफ क्या होता है जनाब, आप अपने करंट मंथ की सैलरी स्लिप दे दें, जॉब कार्ड की कॉपी दे दें। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो जनाब आप जो है वो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय इस कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दें, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। इसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो तो अब जो है नॉर्मल हो चुके हैं, ब्रांच वाले खुद ही फिलअप करते हैं, कस्टमर ने सिर्फ साइन करना होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप जमा करवा दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। प्रॉफिट रेट की बात करूँ जनाब,
जनाब प्रॉफिट रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है 20.50%। अच्छा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टायर बेयर की कंडीशन, टायर बेस जो है वो कंडीशन अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 लाख होगा तो इतना मिलेगा प्रॉफिट, 1 लाख हो या 50 लाख हो, सबका आपको प्रॉफिट रेट दिख रहा है वो 20.50% के हिसाब से है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 रुपये हो या 100 करोड़ रुपये हो, प्रॉफिट आपको 20.50 के हिसाब से ही मिलेगा यूबीएल जो है, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में। बहुत ही शानदार मुनाफा अकाउंट है जनाब। और बात हो जाती है कि जनाब मैंने आपको विथहोल्डिंग टैक्स का बता दिया, ज़कात का बता दिया, इनकम टैक्स रह गया जनाब। तो हमें ये देखना है कि जनाब अगर आप फाइलर पर 15% इनकम टैक्स है, नॉन फाइलर पर 30% इनकम टैक्स है, तो अगर तो देखना ये है कि जनाब हमें टैक्स काटने के बाद पर मंथ कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो साल आपको हर महीने मिलता है। तो प्रॉफिट रेट है जनाब 20.50%, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने मेंशन किया कि 22.55% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जनाब बात मैं ये कर रहा था कि इसका प्रॉफिट रेट 20.50% है। अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा आप कि जब भी आप बैंकों में इन्वेस्टमेंट करें इस नियत से कि आपको प्रॉफिट रेट ज़्यादा मिले, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम 1 साल की होगी। वैसे भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो यही करते हैं कि बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो हर महीने वॉच कर रहे होते हैं, इस महीने इतना प्रॉफिट मिला, इस महीने इतना लॉस हुआ, इस महीने इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और फिर सारे साल के आखिर में कैलकुलेशन बनाते हैं कि भाई 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख पे एक साल बाद जो है क्या हुआ, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उन सबको करने के बाद फिर आप 12 से डिवाइड करते हो, देखते हैं हर महीने कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा 1452 रुपये। लेकिन अगर आप जो है वो ये करते हैं कि आप 10 लाख रुपये या 1 लाख रुपये अगर यूबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट में रखवाते हैं और हर महीने इसका प्रॉफिट निकलवाने के बजाय उसको उसी में रखते हैं, उसी में सेफ रहने देते हैं, तो हर महीने आपका जो 1 लाख की अमाउंट हो या 10 लाख की अमाउंट हो वो प्रॉफिट आएगा उसका, और जो प्रॉफिट पहले महीने का आपका आ रहा था उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, फिर दूसरे महीने का जो प्रॉफिट आया उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, और इस तरह चलता रहेगा पूरा साल भर। तो आप ये देखेंगे साल के आखिर में जो आपका प्रॉफिट आपको जो मिल रहा था 20.50 के हिसाब से वो बढ़ बढ़ के, मतलब ये कि प्रॉफिट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आप जब साल के आखिर में कैलकुलेशन बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तकरीबन 22.55% के हिसाब से। हबीब बैंक ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जब उनकी प्रॉफिट आप उनकी कोई वीडियो देखेंगे जहाँ हम शेयर करते हैं या कोई दूसरा शेयर करे, या वैसे भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो उनका रेट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम उन्होंने दिया है, और उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया कि अगर आप 1 साल तक पैसे नहीं निकलवाते हैं, ना प्रिंसिपल ना प्रॉफिट, तो आपको जो 20.50% है वो 20.50% के बजाय 22.55% के हिसाब से ही मिलेगा प्रॉफिट। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, अगर 20.50 के हिसाब से आप लेते हैं तो 1452 रुपये सारे टैक्सेस काटने के बाद प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप पूरे साल पे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरह मिलेगा। मैं आपको कैलकुलेशन 22.55 के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है जनाब। आपका प्रॉफिट बन रहा है साल का 22,550 रुपये 1 लाख पे, ठीक है। आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,889 रुपये। अगर आप फाइनर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,597 रुपये जो है वो प्रॉफिट बनेगा अगर आप फाइलर तो हैं, क्योंकि इसमें 15% टैक्स है। इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, नॉन फाइलर में वही कहूँगा प्रॉफिट तो एक्चुअल जो है वो यही है 20.50%, मतलब 1 लाख पे तकरीबन 1,200 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा हर महीना। लेकिन फिर वही बात कर लूँ कि अगर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो आपको 1 साल तक अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकालना है, तो इंशाल्लाह वो बढ़कर 22.55% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जनाब हमने भी यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ 22.55% के हिसाब से ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है, जो बैंकों में इन्वेस्ट करता है, वो अपनी कैलकुलेशन 1 साल पे बनाता है, जिस तरह बैंक जो है वो एयरली क्लोजिंग करता है अपने, ठीक है। तो जनाब रेट आपका जो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,550 रुपये बनेगा, मंथली प्रॉफिट बन रहा 1,880 रुपये तक, 1,889 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये मंथली आपके अकाउंट का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइनल का तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पर 1,600 रुपये तक, 1,597 1,600 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है जनाब।
ये थी आज की हमारी वीडियो, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। ये यूबीएल की कामयाब तरीन प्रोडक्टों में इसका शुमार होता है, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ इंडिविजुअल मतलब मैं और आप ये अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पे देखिए एक लिस्ट लगी हुई है कि प्रोप्राइटरशिप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी, और ट्रस्ट और एसोसिएशन और ट्रस्ट और क्लब और तमाम दुनिया के अकाउंट जो है वो यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट वाले खुलवा सकते हैं। स्कूल वाले भी खुलवा सकते हैं, कॉलेज वाले भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल के लिए, लेकिन और लोग भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। बड़ा ही शानदार प्रॉफिट रेट है, बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। तमाम डिटेल्स हमने कोशिश की आप लोगों को बताया, इसका प्रॉफिट भी बताया, इसका साल का प्रॉफिट क्या बन रहा है, ठीक है, अकाउंट किस तरह खुलवाना वो भी हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया, प्रॉफिट रेट किया है वो भी आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू हमने दिखा दिया सब कुछ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक अल्लाह हाफिज़।